नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचना गुलाटी है और मैं यहाँ पर फिशरी कॉलेज की इंचार्ज हूँ। आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ ये सजावटी मछलियों के बारे में है, जिनको ऑर्नामेंटल फिश कहते हैं हम। इनसे भी हम बहुत कमाई कर सकते हैं अपनी, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। अलग अलग रंग की होती हैं, जैसे यहाँ देखें कि ये एक्वेरियम है, ग्लास का एक्वेरियम के कई साइज आप रख सकते हैं, जितनी आपके पास जगह है उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक्वेरियम में आपको फिल्टर लगाना ज़रूरी है और एरिएशन का सिस्टम लगाना होना चाहिए। एक्वेरियम में हर हफ्ते के करीब हम इसका 1/3 पानी जो है वो बदलते हैं, ताकि जो एक्सक्रीटा वगैरह है वो निकलता रहे। महीने में एक बार फिल्टर की सफाई की ज़रूरत पड़ती है हमें। अगर छोटी मछलियां हैं तो ज़्यादा टाइम निकल जाता है, अगर जैसे ये बड़ी मछलियां हैं, कोई कार्प है, ये हमें हर 15 से 20 दिन में एक बार हम ये इसका फिल्टर साफ़ करते हैं। एक्वेरियम में आप सजावटी पौधे रख सकते हैं और अलग अलग शो के आइटम आप इसमें रख सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे फ्लोटिंग रॉक है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। यहाँ पर बड़े पत्थर हैं, यहाँ छोटे पत्थर आए हुए हैं। ये जैपनीज कोई है, ये देखिए एक ही उसमें मल्टी कलर में है। यहाँ पर टेम्पल फिश है और सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं गोल्ड फिश है। अगर हम इनके ब्रीडिंग करवाते हैं, ये अंडे देती हैं, करीबन आप इसमें से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं अगर आप इनकी अच्छी तरह से ब्रीडिंग करवा पाए तो। ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी ब्रीडिंग करानी हो तो फिश जो अंडे देती हैं, अंडों को चिपकने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो आपको पानी के अंदर पौधे रखने पड़ेंगे। पौधे जो हैं नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये मॉली फिश हैं, ये बच्चे देती हैं, और इनके साथ क्या होता है कि जैसे ही बच्चे देती है तो जो माँ है वो खुद अपने बच्चों को खा जाती है, तो हमें वो एक जाली लगानी पड़ती है, या मेल और फीमेल को अलग एक टब में हम निकालते हैं जहाँ पे ब्रीडिंग कराते हैं, और जैसे ही वो बच्चे देते हैं तो हम बच्चों को अलग एक्वेरियम में कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये डॉलर फिश है, खूबसूरत सी लगती हैं और अलग अलग रंगों में मिलती हैं। ये नीचे बैठी हुई हैं, पीछे जो छोटी मछली आप देख रहे हैं चलती हुई, ये टाइगर बार्ब है। अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन की मछलियां आपको दिखाई देंगी। ये पंगासियस स्पीशीज है, बहुत जल्दी बड़ा साइज होता है, और मछली के बच्चे जो हैं ये देखिएगा, ये मौली के बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये 15 से 20 रुपए में पर पीस बिक जाता है। अगर गोल्ड फिश का पीस है तो वो 250 रुपए तक भी जाता है। कोई कार्प के भी इसी तरीके से, जैपनीज कोई है, ये हाइब्रिड वाले वैरायटी आती हैं, तो इनका प्राइस और ज़्यादा जाता है। जब आप बाज़ार में लेने जाएं तो 15-20 रुपए से लेकर आपको 25,000 तक की मछलियों की वैरायटी मिलती है, सजावटी मछलियों की। और अगर आप उसकी ब्रीडिंग करना चाहें तो वो काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं आप पहले, और काम शुरू करने के बाद 1.5 से 2 लाख तक महीने का आप कमा सकते हैं। ये देखिएगा, मौली फिश की ब्रीडिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल प्लांट हमने रख दिया है, उसे छुपने की जगह चाहिए और बच्चों को भी छुपने की जगह। जब वो अंडे दे देती, जब बच्चे को दे देंगी तो बच्चों को छुपने के लिए ये प्लांट्स जो हैं ये काम करते हैं। ये देखिए, ये मेल और फीमेल है। जैसे ही हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो ये बड़ी वाली मछली इसमें से निकाल सकते हैं, और जब थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा तो उसको बड़े एक्वेरियम में कर सकते हैं। आप किसी भी साइज़ की मछली हो,
बहुत आराम से उसकी बिक्री हो जाती है। बहुत आप ये घर में बहुत कम खर्चे में शुरू कर सकते हैं, और जितना आप इस पे मेहनत करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतनी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ये मछली का जो पानी होता है, ये आप अपने घर में लगे हुए पौधों को, या आपने सब्जियाँ लगाई हैं या फल के बाग लगाए हुए हैं, उनमें जब भी आप पानी बदलें तो उसको फेंके नहीं, वो पानी उन पौधों को दे सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और अच्छे आपको क्वालिटी के फ्रूट्स उसमें मिलेंगे। धन्यवाद।